शहजादे, कल के बाद दोबारा मुलाकात ना हो सकी, कैसे हैं? ठीक हूँ, कुछ वक्त गुजारना चाहता था अपने भाइयों के साथ में। भाई जैसा कोई नहीं होता, ऐसा ही है ना? बिल्कुल, मुझे भी अपने भाइयों की बहुत याद आती है, मिलना चाहती हूँ उन सबसे। जल्द मुलाकात होगी उनसे। जी हाँ। मुस्तफा, क्या हम साथ टहल सकते हैं? हाँ क्यों नहीं, आइए। फरमाइए मलिका, क्या बात करना चाहती थी आप? कल जो कुछ हुआ उस पर बेहद अफसोस है। मुझे भी, लेकिन अब भूल चुका हूं मैं, आप भी ऐसा ही करें। तुम्हारा हाकिम जैसा रवैया मुनासिब नहीं। मुझे क्या करना है तो मुझे नहीं बता सकते। मैं जो चाहूं कह सकता हूं। देखो, अपने कद से बड़ी बात मत करो मलिका। आप तुम अकलमंद हो मुस्तफा, जरा सोचो। माहिदौरा तुम्हें मेरे खिलाफ इस्तेमाल कर रही है, क्या दिखाई नहीं देता तुम्हें? हरगिज अपनी मां की तरह मुझे दुश्मन ना बना लेना। मुनासिब रवैया रखो। मेरा रवैया तो मुनासिब है, लेकिन आपको अपना रवैया मुनासिब रखना होगा, ये मजबूरी है आपकी। आग से मत खेलो मुस्तफा, ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। धमकी दे रही हैं आप मुझे? मां की तरह ठीक हो। धमकी दे रही हैं आप मुझे? मेरे सामने आवाज नीची रखो तो बेहतर है। मैं तुम्हें तसल्ली से समझाने आई थी, लेकिन तुम्हें देख के मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरे खिलाफ ऐलाने जंग कर चुके हो तुम। अफसोस। फासला रखें तो बेहतर होगा, खासतौर पे मेरी मां से। मलिका, मलिका आओ। अफसू जरा पास आओ। मेरी वफादार हो क्यों है ना? कोई शक है क्या आपको मलिका? बिल्कुल नहीं, लेकिन एक बहुत मुश्किल और खतरनाक काम आ पड़ा है, जरा सी भी गलती नहीं होनी चाहिए, समझ गए? आप एतमाद रखें, हमेशा खिदमतगार रहूंगी आपकी। ठीक है, लो इसे। काम तो तुम समझ ही गई होगी, समझ गई ना? समझ गई हूं। मौका मिलते ही उसका सफाया कर देना।
कामयाब होगी। मुझे पूरी उम्मीद है तुमसे। मलिका, आप जल्दबाजी तो नहीं कर रही? मालूम तो है हर कोई आप पर शक करेगा। कोई और तरीका नहीं सोचा जा सकता क्या? मुझे कोई परवाह नहीं। सांप का सर जितनी जल्दी कुचल दिया जाए बेहतर है। अफसू खातून, शहजादे याद कर रहे हैं तुम्हें। शाही बागीचे की सैर पे जाना है। अच्छा ठीक है। शहजादे, कुछ ताखीर से सही, लेकिन मैंने अपना वादा पूरा कर दिया। मुझे खुशी हुई आपने बुलाया। हरम से बाहर नहीं निकले महीनों से। कैसी लग रही हो? बहुत अच्छी लग रही हो। और बाकी में एक प्यास अब गई। आका ने मौसम गर्मा के आगाज में शादी की तैयारियों का हुक्म दिया है। उसके बाद फन हर्ब सीखने के लिए मनीषा चला जाऊंगा। ये जुदाई के दिन कैसे बर्दाश्त करूंगी मैं? तुम्हारी खुशबू महसूस किए बगैर और तुम्हारी आंखें देखे बिना अब बिल्कुल अधूरी सी है मेरी ये जिंदगी। तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी, हमेशा मेरे साथ। शहजादे से मुलाकात करनी है मुझे। शहजादे अपनी मंगेतर आई बे के खातून के साथ तशरीफ फरमा है। अंदर किसी को आने की इजाजत नहीं है। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। आखिर मेरी दावत कैसे कर दी तुमने? अपनी मंगेतर के साथ वक्त गुजारना चाहता था। इसका मतलब वालिदा के कहने पर बुलाए हैं मुझे? हमारे जज्बे यकसा हैं, इस वजह से पुरसुकून था मैं। तुम क्या महसूस करोगी नहीं सोचा कभी मैंने, इसलिए तुमसे बहुत शर्मिंदा हूँ। लेकिन हमें एक दूसरे को जानना चाहिए, क्योंकि अनकरीब हमारी शादी होने वाली है। हमें साथ जिंदगी गुजारनी है। दुरुस्त कहा। मैं सोच रही हूं कि हमारी आने वाली जिंदगी में क्या कुछ होगा।
من تنها بیر لکرکم ناکم او بیر لتوش دکم او دمه هر دکتان پیکو بختور بین خورا گرتن لو باردوخا زور دجوار سلطانم من هیچ کاتی لدلو میشکی مصطفى نابو تنها وکو ارکیک لگل یمینمو کاتی بیری لیکم او رگای کی زور دجوار دیت پیچام تو خاتونه کی زور جوانی کل کلی ور بگرا حال بده دل مصطفى به دست بینی او که دبینی بشه که هموش تک ده گوره کام تو تم سمجھ گئی ہوگی سمجھ گئی نا شہزادے کی منظور نظر یا پھر حرم کی سازشوں میں شریک کار بننا چاہو گی تم پر اعتماد کرتی شہزادے تمہارے لیے کھانا تیار کروائے ہم ساتھ کھانا کھائیں گے بہت خوشی ہوئی مجھے زحمت کی آپ نے کیا ہوا ہے تمہیں کچھ نہیں याद आ रही थी बहुत आपकी अफसोस फरमाइए शहजादे क्या हुआ कोई बात नहीं कर रही हो तुम आपको सोच रही हूँ अपनी मोहब्बत को थोड़ा रुको जरा कहाँ जा रहे आता हूँ पहनो जरा तुम मैंने तुम्हारे लिए बनवाया है ये बहुत शुक्रिया आपका कैसा लगा बताओ
बहुत खूबसूरत है। तेरा बहुत शुक्र है। शहजादे अफसोस, शहजादे आप तो बुखार में जल रहे हैं। शहजादे बहुत बीमार है, हकीम को बुलाइए, जल्दी जाइए आप लोग। हकीम को बुलवाया है, वो जल्दी आ जाएगा। किसी को परेशान मत करो, मैं ठीक हूँ। आप लेटे रहिए, प्यास लगी है मुझे। आ जाओ मलिका। क्यों आई हो रात के इस पहर? शहजादे की तबीयत अचानक खराब हो गई है। क्या हो गया? कुछ भी नहीं पता मलिका, सूरत हाल बहुत खराब। बहुत खराब हालात है, ऐसे ही लगता है। आका को इत्तला दी तुमने? दाया खातून, उन्हें परेशान करना ठीक नहीं होगा। हालात बहुत खराब है, जाओ फौरन इत्तला दो, जाओ। मेरे आका, आपके आराम में खलल करने की माफी चाहती हूँ। कहो क्या मसला है? शहजादे मुस्तफा की तबीयत अचानक खराब हो गई है, उनकी हालत ठीक नहीं है। मैं भी चलती हूँ।
यहीं रहो, जहांगीर को मत जगाना। बादब मुस्तफा, क्या हो गया, क्या हो गया तुम्हें? मैं ठीक हूँ वालिदा। आखिर हुआ क्या? मालूम नहीं मलिका, देख रहा हूँ अभी। तुमने तो कुछ नहीं कर दिया, कल रात ये बिल्कुल ठीक था, फिर ऐसा क्या हुआ जो ये हाल हो गया? कसम खाती हूँ मेरी कोई गलती नहीं है मलिका, जैसे ही मुझे पता चला शहजादे को बुखार हो, सिलम ही खबर दी। दफा हो जाओ यहाँ से, जब से तुम इसकी जिंदगी में आई हो शहजादा मुश्किलात में गिर गया है। मैं शहजादे की जबान दराजी मत करो मुझसे। सिंबल आगा, ले जाओ इसे यहाँ से, दोबारा दिखाई ना दे। चलो मुझे बताओ गुलाखा, क्या सूरत हाल है? जमीन दहल गई है मलिका, हंगामे से लगता है कि अफसू खातून ने कारनामा अंजाम दे दिया।